दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अपना बैंक एटीएम कार्ड से एसटीसी पे अकाउंट में पैसा को डिपॉजिट करना तो आप कैसे करिएगा, ये सारी बातें मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो। ओके दोस्तों, मैं अभी आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना बैंक एटीएम कार्ड से एसटीसी पे अकाउंट में पैसा को डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी तरह का इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैं एसटीसी पे अकाउंट पहले से ओपन कर रखा हूँ। अभी इस वक्त एसटीसी पे अकाउंट में मेरा 92 रियाल है। अब मैं आपको इसमें एटीएम कार्ड के थ्रू पैसा डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। ऐड मनी पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ऑप्शन दिया गया डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इस पर आप क्लिक करें। ऐड डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करें। अब आप अपने एसटीसी पे अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पर इंटर कर दें। मुझे इसमें 1450 रियाल डिपॉजिट करना है तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 1450। इसके बाद आपके एटीएम कार्ड में क्या नाम है उस नाम को यहाँ पर इंटर करेंगे। ओके, तो चलिए मैं भी अपना नाम इंटर कर देता हूँ। कार्ड होल्डर नेम लिखने के बाद कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का नंबर रहता है, उस नंबर को यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद कार्ड एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे। कार्ड का पीछे 3 डिजिट का CVV नंबर आता है, उसे एंटर करेंगे। कार्ड डिटेल्स एंटर करने के बाद डिपॉजिट पर क्लिक कर दें। अगर आप एसटीसी पे में कार्ड के थ्रू पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अभी कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। आपके पास बैंक की तरफ से OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर कर दें। OTP एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। ओके दोस्तों, मेरा एसटीसी वॉलेट में 1450 रियाल ऐड हो गया है। अब करते हैं डन पर क्लिक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में पैसा ऐड हो गया है। तो आप इस तरह से किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड से अपने एसटीसी पे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ सवाल है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट कर जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करूँगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी तरह का इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो देखने के लिए। ओके, तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।